moral culture and maxims. immanuel kant also gave us the idea of moral culture and maxims. now, uh, what are maxims? maxims are moral laws. maxims are not the same as discipline. discipline prevents evil habits, but maxims train the mind to think. ab immanuel kant, Kaye kahna tha, tha, that children, मस्ट डिवेलप मॉरल कल्चर बेस्ड ऑन मैक्सिम्स एंड नॉट ऑन डिसिप्लिन अब डिसिप्लिन प्रिवेंट्स ईवल हैबिट्स डिसिप्लिन आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं उनसे भी आपको रोकता है और उन आदतों को पैदा होने से रोकता है जबकि मैक्सम्स जो हैं वो आपको ट्रेन करते हैं आपके माइंड को टू थिंक इन अ सर्टन वे विच इज गुड एंड पॉजिटिव अब इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि अगर आप एक बच्चे को एक रीज़निंग के बग़ैर या उसके अंदर इसकी एक रीज़न नहीं डेवलप कि उसने सुबह उठ के दांत साफ़ करने हैं तो अगर दांत साफ करने के लिए कोई रीज़न नहीं और सिर्फ डिसिप्लिन के तौर तो पे आप बच्चे को कहते हैं कि नहीं तुमने सुबह उठ के और अपने दांत जो हैं वो साफ़ करने हैं तो ये सिर्फ़ एक डिसिप्लिन है जिसको उसकी कोशिश होगी कि वो स्किप करे क्योंकि उसके अंदर उसके लिए ख़ुद से कोई सब्जेक्टिव लॉ या सब्जेक्टिव रीज़न डिवेलप नहीं किया गया उसकी मोरालिटी इस बेस पे डेवलप नहीं है कि उसे ये काम एक रीजन के तहत करना है और फिर ये एक कानून बन जाएगा फिर ये एक लॉ बन जाएगा लेकिन उसकी कुछ रीजनेबल बेसिस हैं उस बच्चे के अपने सेल्फ के अंदर जबकि डिसिप्लिन एक जाहिरी चीज है कि बस कह दिया तो आपने करना है अब हम जिस तरह माशरे में देखते हैं कि हमें कहा जाता है कि यहां पे आप गाड़ी पार्क ना करें नो पार्किंग की एक साइन लगा है लेकिन उस नो पार्किंग पे आके लोग गाड़ी पार्क करने की कोशिश करते हैं उस वक्त के दौरान जब बहुत रश है और उनकी ये कोशिश होती है कि हम एक गलत काम भी चलो करें लेकिन इस्तादा हासिल कर ले तो क्या है कि ये सिर्फ डिसिप्लिन है अगर हम उन्हें इस बात की सेंसिटिविटी बचपन से बताते और कहते और उन्हें बताते कि इससे कितनी तकलीफात हो सकती हैं आपके वहाँ गाड़ी पार्क कर देने से बहुत सी गाड़ियों का रास्ता रुकता है कुछ बीमार जिन्होंने हस्पताल पहुँचना है उस वक्त पे उनके लिए ट्रैफिक में रश पड़ जाता है तो फिर जो उनके अंदर से एक आवाज़ आती और उस आवाज़ के ऊपर एक कानून बनता उनकी ज़ात के अंदर उसको हम मैक्सिम कहते तो इमैनुअल कैंट का ये कहना था कि मैक्सिम्स बहुत बेहतर हैं डिसिप्लिन से एक मॉरल कल्चर डेवलप करने में नाउ मैक्सिम्स आर यूनिवर्सली वैलिड उनका यह भी कहना था कि मैक्सिम्स जो हैं वो किसी एक खास जगह या वक्त और जगह की कैद में मुकीद नहीं है बल्कि सब जगह के लिए अप्लाई होते हैं वो पूरी दुनिया में जहाँ भी चले जाएँ वो बेहतरीन रूल्स होते हैं और मैक्सिम्स का ओरिजिन क्या है वो कहाँ से पैदा होते हैं दे ऑट टू ओरिजिनेट इन ह्यूमन बीग्स एज सच वो खुद ब खुद ह्यूमन बींग्स के अंदर पैदा होते हैं और चाइल्ड शुड लर्न टू एक्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिम्स रीजनेबलनेस ऑफ विच ही और शी इज एबल टू सी फॉर हिम सेल्फ एंड हर यानी एक बच्चे को मैगजीम्स के मुताबिक अपने काम करने हैं और एक्ट करना है और परफॉर्म करना है जिसकी रीजनेबलनेस वो खुद के अंदर देख सके अब एक बच्चे को अगर आप होमवर्क करने के लिए कहते हैं और होमवर्क वो इस डर से कर रहा है कि मुझे या तो पनिशमेंट मिलेगी या आप ये कहते हैं कि मुझे अप्रेजल मिलेगा तो ये डिसिप्लिन है ये मैक्सिम्स नहीं है लेकिन अगर उसके अंदर इस जिम्मेदारी का एहसास है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है मुझे अपनी जमात में जाके परफॉर्म करना है मुझे अपने उस्ताद को ये आ, फीलिंग देनी है कि उसने मुझे जो कुछ पढ़ाया है वो मुझे आता है और मुझे खुद भी उस पर मेहनत करनी है तो फिर ये मैक्सिम्स के जरिए हो रहा है ना कि सिर्फ डिसिप्लिन के जरिए और फिर मॉरल कल्चर डिमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ इनसाइट ऑन द पार्ट्स ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स यहां यह भी बात बहुत जरूरी है कि देखिए इतने इतना वक्त पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि मॉरल कल्चर डिवेलप करने के लिए उस्ताद और वालदे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों बहुत जरूरी हैं और ये प्रिंसिपल ये बातें ये मैक्सिम्स बच्चे के अंदर एक यंग एज से आपको पैदा की जाए मिसाल के तौर पे यह भी कहते हैं कैंट कि अगर एक बच्चे को आप अच्छा करने पे री एनफोर्समेंट देते हैं उसको कुछ अप्रेजल देते हैं और बुरा करने पे पनिशमेंट देते हैं तो फिर ये दोनों बातें डिसिप्लिन की कैटेगरी में आ जाती हैं क्योंकि लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि ज़िंदगी में अगर वो जब यंग और अडल्टुड में जाएगा तो दुनिया में जब बाहर निकलेगा तो प्रोफेशंस के अंदर दुनिया के अंदर हमेशा अच्छाई का रिजल्ट अप्रेजल नहीं होता और हमेशा बुराई का रिज़ल्ट जो है वो पनिशमेंट नहीं होता बहुत से केसेस में ये रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं तो वो शख्स या वो बच्चा अपने अंदर वो अर्ज खो देगा क्योंकि उसका कोई उसका कोई डीपली रूटेड मीनिंग नहीं है उस बच्चे के अंदर वो उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये सब एक मैक्सिम्स के ऊपर डेवलप किया गया है उसके अंदर पैदा होने वाले जो मॉरल कल्चर है उसकी फाउंडेशंस जो हैं वो उसके अंदर से आई हुई उस आवाज पे हैं जिसके तहत ये लॉज पैदा हुए हैं और फिर सी दैट ऑफ हिज ओन मैगज एंड नॉट मियरली फ्रॉम हैबिट यही बात जिसको भी मैंने जिक्र किया कि सिर्फ हैबिट या आदत के तौर पे ना हो बल्कि मैक्सिम्स के तौर पे और मैक्सिम्स की बेसिस पे एक बच्चा एक्ट करे तो ही हमें ये एहसास होगा और फीलिंग होगी कि ये चीजें ज्यादा मजबूत हैं ये फाउंडेशन मॉरल कैरेक्टर की ज्यादा पायदार हैं सिर्फ हैबिट के तौर पे नहीं है जिसको कभी भी खत्म किया जा सकता है